फरमाया। एक बहुत ही प्यारे शायर से गुजारिश करने जा रहा हूँ, जिसे सुन के आप बेइंतहा खुश होंगे और मुझे मुबारकबाद देंगे कि मैंने बहुत सच्चे और प्यारे शायर को बहुत सही वक्त पर आवाज़ दी कि मौज हवा का लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे। बात वही है एक गजल की, मैं लिखूं या मीर लिखे। मैंने ख्वाब जो देखे उनको मैं लिख लिख कर हार गया, अब मेरे बात का लिखने वाला ख्वाबों की ताबीर लिखे। पुरानी नस्ल बहुत कुछ छोड़ के जाती है, नई नस्ल उसे आगे बढ़ाती है। आइए नई नस्ल का एक ऐसा नुमाइंदा जो पुरानी नस्ल के खुलूस में चमक पैदा करने की कोशिश कर रहा है, हाशिम फिरोजाबादी से ये तालियां बता रही है कि आपके दिल में उनके लिए कितना प्यार है। माइक पर हाशिम फिरोजाबादी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अंदर है वो लड़की अपनी 16 साल की। हाजिर गानी आज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बुजुर्गों को आज हुआ क्या है। तो कवि महोदय थे राजेंद्र सिंह साहब, वो भी 16 बरस की लड़की ढूंढ रहे थे। वो तो नहीं मिली भाई। नहीं नहीं तो नहीं मिली, लेकिन वो चले गए। लड़की तो थी 16 साल की। जिन्हें मशवरे हमें देना चाहिए था वो, लेकिन मोहब्बत की बात हमें, और जाहिर सी बात है हाजरी, आज की रात सिर्फ मोहब्बत की ही बात होनी चाहिए। उसका रीजन ये है, आज उस शख्स की याद बुलाई जा रही है जिसने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की है, जिसने सिर्फ मोहब्बत की और मोहब्बत बांटी है। मेरे मुशायरे की आबरू सदर मुशायरा आली जान इज्जत मार, मेरे बहुत ही मोहतरम करम फरमा जनाब हजरत डॉक्टर राहत अंदौरी साहब तशरीफ रखते हैं। मैं सिर्फ 4 मिसरे हाजिर करता हूँ और खुदा करे लगता है ये जो मेरे मोहतरम बैठे हैं सर, जिन्हें यहाँ बैठना चाहिए था मुझे तो वहाँ बैठना चाहिए था। मैं यहाँ से 4 मिसरे शुरू करता हूँ, लगता है पीछे आवाज नहीं पहुंच रही, अभी तक वहां को रिएक्शन नहीं हुआ है। सिर्फ 4 मिसरे तो आज नाबीला होकर काम चला, मुशायरा सुनने की तो ना देखने। सिर्फ 4 मिसरे पेश करता हूँ, इजाजत है सुनिएगा। मोहब्बत का घना बादल, कहाँ थे इतनी देर से? क्या आप थे? मैं कहा था कुछ और था, लेकिन जो मेरे पास तशरीफ रखते हैं 4 मिसरों की इजाजत है, थोड़ा सा मुशायरा बना लूँ। बहुत शुक्रिया, मैं पेश करता हूँ, थोड़ा सा माहौल बना लूँ, पेश करता हूँ। यहाँ से 4 मिसरे शुरू कहीं से किया था, लेकिन चाहता हूँ यहाँ से शुरू जरूर सुनिएगा। भड़क उठेंगे शोले, आग लग जाएगी सीने में। बताइएगा मेरी आवाज पीछे पहुंच रही है। भड़क उठेंगे शोले, आग लग जाएगी सीने में। मई दिसंबर के महीने। अभी नहीं, आप जल्दी कर रहे हैं। चौथे मिसरे बताने के मैं सच बोल रहा हूं, बराबर जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। सिर्फ 4 मिसरे, बहुत शुक्रिया। भड़क उठेंगे शोले, आग लग जाएगी सीने में। मई फिर लौट आएगा दिसंबर।
नहा जाए। यहाँ से चार मिसर पेश करता हूँ, खासतौर से दुआएं चाहता हूँ। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। यहाँ से शुरू करता हूँ। हाजरी यार सागर आजमी है, कोशिश करता हूँ मेरी कमजोर की आपको शायरी सुनाऊ, लेकिन कोशिश करता हूँ बतौर खास सुनेगा। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था। मुझे यकीन है कि बारह पंक्ति में चौथा मिश्रा खुद बहुत लगा दिया जाएगा। पेश करता हूं मोहब्बत का घना बादल बना जनाब हजरत डॉक्टर राहत अंदौरी साहब ने दुआओं से नवाजा, इसका मतलब मैंने कुछ कहा। पेश करता हूं उसे माने की ख्वाहिश वो मुझे जीने नहीं देती, खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था, ये खुदाया तू मुझे पागल बना। शायद सच्ची अच्छी वो होती है जिसमें शायद खुद मौजूद होता है। ये जो मेरे मोहतरम बैठे जमीन पर जो बैठे तशरीफ रखते हैं, इन्होंने मुशायरे को कामयाब करने का पूरा ठेका ले रखा है। लेकिन जो हजरत कुर्सी बैठे, मैं अक्सर कहता हूं कि गलती आपके लिए, अल्लाह जिसको कुर्सी देता है उसे खामोश कर ही देता है। चार मिसरे पेश करता हूं अरविंद भाई। हुआ ये कि एक हवाई जहाज ने उड़ान भरी, तो उस हवाई जहाज में तीन लोग सफर कर रहे थे, एक मुल्का जी थे, एक बच्चा था, एक मास्टर साहब थे। अचानक उस जहाज में कोई टेक्निकल फॉल्ट आई, तो पायलट ने कहा बेटा इधर आओ, पीछे तीन पैराशूट रखे हैं, एक एक लेकर कूद जाओ। और सबसे पहले नेताजी कूदे, उसके बाद मास्टर साहब कूदे, तो उस बच्चे को बच्चा गया पायलट के पास, पायलट अंकल पायलट अंकल चलिए आप भी कूदिए, तो पायलट ने कहा नहीं बेटा ये पॉसिबल नहीं है, पैराशूट एक बच्चा होगा, हम दो लोग हैं। उसने कहा नहीं नहीं पायलट अंकल चलिए आप भी चलिए। बोले वो कैसे? पायलट अंकल फौरन से पायलट अंकल से बच्चे ने कहा नेताजी जल्दी में मेरा स्कूल बैग लेकर कूद गया। सहेली